हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है स्पेशल इसलिए क्योंकि जो मटर का सीज़न है अब खत्म होने वाला है तो खत्म होने से पहले अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से स्टोर करके रख लेते हैं तो आपके लिए भी मटर का सीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा नमस्कार मैं किरण मैं अपने चैनल मम्मी का ढाबा विथ किरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो बड़ा सा बर्तन ले लें पतीला जिसमें पाँच से सात लीटर पानी हम डाल सकते हैं तो बड़ा बर्तन ले लिए खुला हुआ बर्तन है अब इसमें डाल दिए हम टोटल पाँच लीटर पानी और उसके बाद डालेंगे दो चम्मच चीनी दो चम्मच चीनी डाल देते हैं और साथ में एक से डेढ़ चम्मच नमक तो बस और कुछ नहीं डालना है इसमें और इसे गैस ऑन कर देना है और गैस ऑन करने के बाद इसे ढक देते हैं उबाल आने का इंतज़ार करेंगे जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे मटर तो चलिए पानी में जो है उबाल आ चुका है तो अब डाल देते हैं मटर तो यहाँ टोटल दो केजी के जी मटर है छुराने के बाद सारा का सारा मटर जो है सो तो एक ही बार में डाल देंगे अगर दो बार डालेंगे तो जो पहले डालेंगे वो थोड़ा ज्यादा पक जाएगा और जो बाद में डालेंगे थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो इसीलिए ये प्रोसेस जल्दी करेंगे मटर डालते सब जो ऊपर आ जाए उसे निकाल दें क्योंकि वो छोटा छोटा मटर होता है खिज्जा मटर रहता है छोटा छोटा मटर निकालने के बाद देखिएगा दो से तीन मिनट बाद आपका जितना भी मटर है सारा का सारा हल्का होकर ऊपर आने लगेगा अगर अच्छी गर्म पानी में अगर मटर आप डाले हुए हैं तो अगर ठंडा पानी में डालें तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पानी जब खोलने लगे तभी मटर डालिए तो स्टोर करने के लिए इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे गर्म पानी में डालें मटर ऊपर आ जाए बस निकाल लें इसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे उससे तो सारा का सारा मटर जो है ऊपर आ चुका है तो चलिए निकाल लेते हैं छन्नी में भी यहाँ हम छन्नी में निकाल रहे हैं ताकि पानी जो है इसका जल्दी निकल जाए और बड़ा छन्नी में डाल देंगे कोई बड़ा बर्तन में जो पानी अच्छी तरह से निकल जाए अगर डायरेक्ट कपड़ा में निकाल लेंगे तो कपड़ा गीला हो जाएगा फिर सूखने में टाइम लगेगा तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर पहले छन्नी में निकाल लें जब पानी निकल जाएगा अच्छी तरह से उसके बाद कॉटन कपड़ा पर फैला दीजिए कम से कम चार से पाँच घंटा के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि धूप में नहीं डालेंगे इसे घर में ही डालेंगे रूम में ही डालें पंखा के नीचे डाल दें या तो नहीं पंखा के नीचे डालना है तो कहीं पर साइड में इसे रख दीजिए चार से पाँच घंटा नहीं तो होल नाइट रख करके पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पानी जब अच्छी तरह से सूख जाए यहाँ दस मिनट पंद्रह मिनट हो चुका है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं ये कॉटन कपड़ा पर तो कॉटन कपड़ा जो लीजिएगा तो कम से कम तीन से चार फोल्ड जरूर रहना चाहिए ताकि पानी जो है थोड़ा भी रहे तो एब्जॉर्ब कर ले तो चलिए फ्रेंड्स इसे डाल देते हैं हवा में ताकि पानी अच्छी तरह से सूख जाए चार घंटा पाँच घंटा जो भी लगे तो फ्रेंड्स अभी सबसे बेस्ट टाइम है ये मटर स्टोर करने का क्योंकि अभी मटर का दाना बहुत ही अच्छा है तो इस समय मटर जो है स्टोर जरूर करना चाहिए टोटल यहाँ पर आठ घंटा हो गया है पानी अच्छी तरह से सूख गया है एकदम ड्राई हो गया है तो चलिए यहाँ पर एक जीपर प्लास्टिक ले लेते हैं इस तरह का मार्केट में ईजी अवेलेबल है सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि बड़ा साइज नहीं ले छोटा साइज हमको मिला नहीं इसलिए बड़ा साइज लेना पड़ा छोटा साइज रहने से बहुत ही ईजी रहता है अच्छा रहता है बड़ा छोटा ही साइज लीजिएगा एक एक के का जो आता है प्लास्टिक वही लीजिएगा तो चलिए यहाँ पर इसमें डाल देते हैं प्लास्टिक में और इस तरह से प्लास्टिक में डाल करके तो डाल दिए यहाँ पर टोटल दो किलो के जी मटर था तो दोनों में हाफ हाफ डाल दिए डालने के बाद इस तरह से हाथ से हल्का हल्का जरूर करेंगे क्योंकि एयर निकल जाए एयर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और एयर निकलने के बाद इस तरह से आप इसे फ्रीजर में फ्रीज में नहीं फ्रीजर में इसे रख देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ साल भर के लिए मटर जो है स्टोर हो गया है मेरे लिए तो साल भर ही मटर का सीजन रहने वाला है तो आप लोग भी इस तरह से मटर जो है स्टोर करके रख लीजिए बहुत सस्ता तो पड़ता ही है और बहुत ईजी भी है अब मार्केट से भी महंगा महंगा मटर लाने का आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय